Hello students, today we are going to learn poem 4, If I Knew. Reading, what if you had a magic box in which you could keep all your good and bad things? यहाँ पर पूछा है कि क्या होता कि अगर आपके पास एक बड़ा सा मैजिक बॉक्स होता है जिसमें आप आपकी अच्छी और बुरी सारी चीज़ें रख सकते थे. What could you keep in it? तो आप उसमें क्या क्या रखते. Read a poem by Maud Wayman and find out what the poet wishes to do. Poem पढ़नी है और हमें इसमें से जानना है कि poet की क्या इच्छा है, उन्हें क्या करना है. Okay? So let's start. If I knew the box where the smiles were kept, no matter how large the key or strong the bolt, I would try so hard. It would open, I know for me, then over the land and the sea broadcast. I would scatter the smiles to play, that the children's faces might hold them fast for many and many a day. चलो अभी हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है कि इफ़ आई न्यू, कि अगर मुझे पता होता किसके बारे में, अबाउट द बॉक्स, एक बॉक्स के बारे में, वेयर स्माइल्स वेयर केप्ट, जहाँ पर क्या रखी है, स्माइल्स रखी है जिस बॉक्स में. नो मैटर हाउ लार्ज द की और स्ट्रॉन्ग द बोल्ड, आई वुड ट्राई सो हार्ड. तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस चीज़ का, कि वो बॉक्स कितना भी बड़ा हो, उसका जो लॉक है वो कितना भी बड़ा हो, और उसकी की भी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो या फिर बड़ी हो. करेक्ट. और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, बोल्ट मतलब लॉक, उसका लॉक कितना भी स्ट्रांग हो, नो मैटर. आई वुड ट्राई सो हार्ड, मैं क्या करती, मैं उसे खोलने के लिए पूरी अपनी जी जान लगा लेती. इट वुड ओपन, और वो ओपन होता, आई नो फॉर मी, मुझे पता है कि वो मेरे लिए वो बॉक्स ओपन होता ही. ऐसा क्यों कहा है पोएट ने, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फिक्स की है कि हाँ मुझे ये काम करना है. जब हम लोग कोई भी चीज़ फिक्स करते हैं ना, तो क्या होता है पता है, वो चीज़ अपने आप हो जाती है. मतलब हमें उस वो चीज़ करने के लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं. देन ओवर द लैंड एंड द सी ब्रॉडकास्ट, आई वुड स्कैटर द स्माइल्स टू प्ले. अब बॉक्स तो खुल गया, तो बॉक्स खुलने के बाद क्या करेगी पोएट, कि मैं उसे ब्रॉडकास्ट करूँगी. ब्रॉडकास्ट करना मतलब होता है टू स्प्रेड, कहाँ वहाँ पर, ओवर द लैंड एंड द सी. एंड आई वुड स्कैटर द स्माइल्स टू प्ले, और मैं क्या करती हूँ उनका, स्कैटर करना मतलब टू थ्रो ऑल अराउंड, मतलब पूरी सारी दुनिया में उसे थ्रो कर देती, ताकि क्या होता, दैट द चिल्ड्रन फेसेस माइट होल्ड देम. चिल्ड्रन फेसेस क्या करते, उन स्माइल्स को होल्ड करके रखते, फॉर मेनी एंड मेनी अ डे. देखो ये जो है इसका मीनिंग ऐसा है, पूरे लाइन का मीनिंग बताती हूँ मैं. द पोएट वॉन्ट्स अ बॉक्स ऑफ स्माइल्स, वाई, बिकॉज शी विशेज टू ओपन द बॉक्स एंड स्कैटर द स्माइल्स ऑल अराउंड इन ऑर्डर टू प्ले, एंड इन दिस वे द चिल्ड्रंस फेसेस विल बी एबल टू होल्ड द स्माइल्स फॉर मेनी डेज. ठीक है, आए इतना ध्यान में. देन नेक्स्ट, If I knew a box that was large enough to hold all the frogs I met, I would like to gather them, everyone, from nursery, school and street. Then folding and holding, I would pack them in. And turning the master key, I would hire a giant to drop the box to the depth of the deep, deep sea. अभी उन्होंने कहा है कि इफ़ आई न्यू, कि अगर मुझे पता होता किसके बारे में, एक बॉक्स के बारे में, कैसा बॉक्स, लार्ज इनफ मतलब बहुत बड़ा, जिसमें ढेर सारी चीज़ें हम रख सकते हैं. ओके, टू होल्ड ऑल द फ्रॉन्स आई मेड, क्या रखना है उसके वहाँ उसमें, उस बॉक्स में, फ्रॉन्स, फ्रॉन्स मतलब अनहैप्पी और एंग्री एक्सप्रेशन, उदासी वाले एक्सप्रेशन, गुस्से वाले एक्सप्रेशन, वो वाले. ठीक है, वो क्या करना है, पोएट को वो सारे एक्सप्रेशन जो है, जो अनहैप्पी है, एंग्री वाले है, उनको कलेक्ट करके उस बॉक्स में डालना है. I would like to gather them, मुझे वो expressions unhappy वाले gather करना मुझे अच्छा लगता. कहाँ कहाँ से, everyone from nursery, school and street. Nursery, school, street वहाँ पर जो भी children दिखते हैं उनके चेहरों पर अगर ये है unhappy expressions हैं, तो वहाँ से मैं उसे क्या करती, collect करती. Then folding and holding, I would pack them in. और उनको फिर मैं क्या करती हूँ, उसको fold करके, hold करके उस large box पे रख देती हूँ. एंड टर्निंग द मॉन्स्टर की, और मैं क्या करती,
उस बॉक्स को लॉक कर दे विद अ मॉन्स्टर की ताकि उसे कोई खोल ना सके. आई वुड हायर अ जायंट टू ड्रॉप द बॉक्स टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी. देखो पोएट को क्या करना है, द पोएट वॉन्ट्स टू हायर अ जायंट. हायर करना मतलब क्या होता है, किसी को हम लोग पैसे देकर अपना काम करने के लिए बोलते हैं, दैट इज़ हायर. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टू पे समवन टू गेट समथिंग डन. तो उनका कहना है कि मैं क्या करती हूँ, मैं एक जायंट को, जायंट मतलब पता है ना आपको, एक बड़ा सा आदमी, ऊंचा वाला, हेल्दी वाला, बड़ा सा जो रहता है जायंट, राक्षस के जैसा, वैसा टाइप. ठीक है, तो पोएट वॉन्ट्स टू हायर अ जायंट किस चीज़ के लिए, टू ड्रॉप द बॉक्स ऑफ फ्रॉन्स, जिसमें वो सारी अनहैप्पी एक्सप्रेशंस रखे हैं, वो वाले बॉक्स को ड्रॉप करने के लिए. कहाँ पर ड्रॉप करना है, टू द डेप्थ ऑफ द सी, टू द डेप्थ ऑफ द डीप सी. मतलब जो, मतलब वो जायंट क्या करेगा, उस बॉक्स को लेकर जाएगा और समुंदर में बहुत बहुत गहराई में जाएगा वो, और वहाँ पर उस बॉक्स को वो क्या करेगा, वो वहाँ पर छोड़ कर आएगा. तो यहाँ पर पोएट का क्या है, पोएट को क्या करना है, द पोएट विश वॉज टू स्प्रेड माइंड्स एंड पॉजिटिव एनर्जी अमंग द चिल्ड्रन. मतलब उन्हें क्या करना है, उन्हें एक ऐसा बॉक्स खोलना है जिसमें ढेर सारी स्माइल हो और वो स्माइल पूरी दुनिया में क्या करनी है, उनको स्प्रेड करनी है ताकि बच्चे हमेशा खुश रहे और जो अनहैप्पी एक्सप्रेशन है, दुखी है, उदासी वाले जो एक्सप्रेशन है, वो सारे एक्सप्रेशन कलेक्ट करके एक बॉक्स में भरना है, उसे लॉक करना है किस चीज़ से, मॉन्स्टर की से, ताकि उस बॉक्स को कोई खोल ना सके. और फिर एक जायंट को हायर करके वो बॉक्स कहाँ पर रख के आना है, टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी.